गाइज यू आर वेलकम। आई एम महेश यादव। आज की वीडियो में हम किसी भी तरह के प्रश्न से एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। गाइज हम भी बचपन में खूब एप्लीकेशन रटा करते थे, फीस माफ की है, टीसी की है, लेकिन बहुत बाद में समझ आया कि एप्लीकेशन में कुछ नहीं, सब कुछ मैटर क्वेश्चन में दिया गया होता है और आपको एक भी एप्लीकेशन रटने की कोई आवश्यकता नहीं, आप क्वेश्चन में से ही एप्लीकेशन बना सकते हो। गाइज अगर मोटे तौर पर देखें तो एप्लीकेशन में आपको सिर्फ तीन चीजें लिखनी होती हैं और वो तीनों चीजों का जिक्र क्वेश्चन में दिया होता है। वो तीन चीज क्या होती है, अगर आप वो तीन चीज पकड़ना सीख गए तो आप किसी भी क्वेश्चन से आसानी से एप्लीकेशन बना सकते हो, आपको एप्लीकेशन रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गाइज वो तीन चीज है, पहली चीज है आप एप्लीकेशन किसको लिख रहे हो, ये क्वेश्चन में मेंशन दिया होता है, और दूसरा है आपको प्रॉब्लम क्या है कि आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ी, और गाइज ये भी पेपर में क्वेश्चन में दी हुई होती है, और तीसरा होता है आप सॉल्यूशन क्या चाहते हैं। बस ये तीन चीज है कि आप एप्लीकेशन किसको लिख रहे हो, ये क्वेश्चन में दिया होता है, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ी, और आप सॉल्यूशन क्या चाहते हैं। गाइज इस क्वेश्चन में से अब हम इन तीन प्रश्न जो मैंने यहां बनाए इनका आंसर निकालेंगे और एक एप्लीकेशन बना के देखेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम इन तीन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए, यानी आप किसी भी एप्लीकेशन में तीन क्वेश्चंस का आंसर निकाल करके एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो देखिए किसको लिखना है, तो गाइस जिसको लिखना है वो हमेशा अंतिम लाइन में मिलेगा आपको, यानी कि पहले की लाइनों में आपको कारण दिया गया होगा कि आप क्यों लिख रहे हो, आपको प्रॉब्लम क्या है, और नीचे की लाइन में, और वो लाइन जिसमें आपको किसको मिलने वाला है, वो लाइन में आपको दो क्वेश्चंस का जवाब मिलने वाला है, तो वो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जो लास्ट में मिलेगी वो कहां मिलेगी गाइस, राइट के बाद, जैसे राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, आस्किंग हिम टू एग्जेम्प्ट यू फ्रॉम फी, तुमको शुल्क से मुक्ति देने के लिए, तुम्हारी फीस माफ करने के लिए किसको लिखो, प्रिंसिपल को लिखो। तो गाइज यहाँ पे प्रिंसिपल एक मिल गया, किसको लिखना है। कई बार क्वेश्चन में ये हेड मास्टर हो सकता है, हेड मिस्ट्रेस हो सकता है, और प्रिंसिपल हो सकता है, तो गाइज यहाँ पे इसमें प्रिंसिपल है तो हमें ये किसको लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है। दूसरा है प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत मेन पार्ट है। देखिए गाइज यू आर रोहन स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर, पहली लाइन में तो सिर्फ इसमें आपके स्कूल का नाम बता दिया, तो आपको अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया गया वही लिखना है। अगर नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, बाकी इसमें दे दिया है तो आप ये लिखोगे, और ये विद्यालय रामपुर में स्थित है तो आप रामपुर ही लिखोगे, अपने कस्बे का, सिटी का नाम नहीं लिखोगे। उसके बाद इसमें तुम्हारा नाम भी दे दिया गया रोहन, तो आप नीचे योर्स ओविडेंटली में जब समाप्त करो तो आप रोहन नाम दोगे, तो यहाँ पे आपके स्कूल का नाम और आपका नाम दिया गया है। तो गाइस जैसे ही आपके स्कूल का नाम और आपका नाम समाप्त हो, उसके जस्ट बाद जो लाइन शुरू होती है वहां ये प्रॉब्लम वाली लाइन है कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे इसमें बताया योर फादर इज नो मोर, तुम्हारे पिता जीवित नहीं है, नो मोर का अर्थ होता है जीवित नहीं होना। देयर इज नो अदर अर्निंग मेंबर इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में कोई अन्य कमाने वाला सदस्य नहीं है। सो यू कैन नॉट पे योर स्कूल फी, इसलिए तुम तुम्हारे स्कूल की फीस नहीं दे सकते हो। और गाइस उसके बाद आ गया राइट शब्द, तो राइट एक डेंजरस शब्द है, यहां से आप आगे ना बढ़े, क्योंकि राइट से आगे हमने ले लिया कि किसको लिखना है, और इसके वाला एक चीज और है कि सॉल्यूशन क्या, वो भी राइट के बाद ही। मैंने आपको पहले बताया था, ध्यान रखना कि राइट के बाद आपको दो चीज मिलेंगी, किसको लिखना है और सॉल्यूशन क्या, उससे पहले आपको प्रॉब्लम क्या है जो मेन पार्ट है एप्लीकेशन का वो आपको मिलता है। तो जैसे ही राइट आया वहां पे आप एक लाइन खींच दे, तो गाइज ये जो है ये इसका मेन पार्ट है। अब तीसरा है सॉल्यूशन क्या चाहते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे मैं बाद में भी थोड़ा सा बोलूंगा, लेकिन पहले आप समझ लो कि सॉल्यूशन क्या चाहते हैं। देखिए तो प्रिंसिपल के बाद आस्किंग या रिक्वेस्टिंग कोई शब्द मिलेगा, और उसके बाद हिम या हर मिलेगा, उसके बाद एक टू मिलेगा गाइज, तो आप उस टू पे गोला कर लें, उस टू पे निशान लगा लें कि टू के बाद जो लिखा हुआ है वो सॉल्यूशन है, और ये किसी एप्लीकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। तो ये है एग्जेम्प्ट यू फ्रॉम फी, तो ये वाला सॉल्यूशन हो गया, और यहां से लेकर के ये वाला पार्ट हो गया इसका प्रॉब्लम आपकी, और किसको लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, ऊपर के पार्ट में आपके स्कूल का नाम और आपका नाम हो गया। अब इस क्वेश्चन के लिए गाइस मैं आपको एक एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो ये आपके क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन मैंने दिया था ये एप्लीकेशन तैयार हो गई। बस दो मिनट आपको समझने की आवश्यकता है कि मैंने कौन सी चीज इस क्वेश्चन में से कैसे उठाई और वो कहां पे सेट कर दी। आप भी इस तरह से करते हो, आप भी एक एप्लीकेशन बना सकते हो। देखिए सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल था, तो मैंने यहां पे लिखा द प्रिंसिपल,
तो देखिए गाइज, आजकल क्या है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम टू नहीं लगाते हैं। अगर आपके मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो कि टू तो हम लगाते हैं, हमारे सर लगाते हैं, अगर आप लगा देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, बाकी अगर आजकल टू का प्रयोग नहीं होता है। तो द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर, गाइज ये मैंने क्वेश्चन में से ही लिया है और पहले बता चुका हूँ, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, किसी स्कूल का नाम लिख सकते हैं और सिटी में किसी सिटी का नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद गाइज सब्जेक्ट, तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा बोलूंगा सब्जेक्ट में क्या लेना है। सब्जेक्ट में भी आप क्वेश्चन में से ही ले सकते हो, जैसे ये फीस माफ का है तो देखिए जो आपका एग्जेम्प्टिव फ्रॉम फी है ना, जो क्या था तीसरा सॉल्यूशन क्या चाहते हो, आप उस सॉल्यूशन को इसके अंदर डाल सकते हो फोर लगा करके, फोर एग्जेम्प्ट फ्रॉम फी। इसमें जो यू आए अंदर यू आता है उसको आप काम में ना लें, टू को आप फोर में बदल दें और टू के बाद जो लिखा है उसको आप यहाँ पे फोर लगा करके ले लें, ठीक है। टू को फोर में चेंज कर दे, जो बचा उसको ले लिया, यू नहीं लिखा। के बाद सर, अगर आपको आपके जो प्रिंसिपल हैं वो सर हैं यानी कोई पुरुष हैं तो आप सर लिखिए, अगर वो प्रिंसिपल मैडम है तो आप यहाँ मैडम लिख सकते हैं, हेडमास्टर दिया है तो आप सर लिख सकते हैं और हेडमिस्ट्रेस दिया है तो आप मैडम लिख सकते हैं। इसके बाद में विद मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, क्लास के आगे मैंने खाली छोड़ दिया, आप जिस क्लास में पढ़ते हो एट्थ में सेवन्थ में टेंथ में इलेवंथ ट्वेल्थ जो भी है आप वो क्लास यहाँ पे लिख दें। तो ये लाइन तो सभी एप्लीकेशन में आती है अगर आप उस विद्यालय में पढ़ते हैं तो। इस लाइन का अर्थ है सम्मान के साथ मैं आपसे प्रार्थना करते कहता हूं कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा जो भी कक्षा है का छात्र हूं या छात्रा हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप थोड़ा ध्यान से समझें। देखिए जो कारण था कि जो आपकी प्रॉब्लम थी, आप प्रॉब्लम को यहां से लेके यहां पे जस्ट जहां पे आपकी लाइन खत्म होती है वहां पे ले लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप क्वेश्चन में जो यू योर यू आई उसको आई माई मी में बदलते हुए, अगर आप अकेले उसको लिख रहे हो तो आप आई माई मी में बदलें। अगर आपको बता दें कि आप कैप्टन हो स्कूल में किसी टीम के या आप मॉनिटर हो क्लास के और आप सबके हित की कोई बात कर रहे हो, जैसे आप कोई फ्रेंडली मैच खेलने की बात कर रहे हो या आप क्या बोलते हैं उसको एक्स्ट्रा क्लास की बात कर रहे हो, तो फिर आप सबके लिए उस एप्लीकेशन को लिख रहे हो, सबकी ओर से लिख रहे हो, तो वो फिर आप उसको वी आवर अस में बदलें। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप अकेले की फीस माफ करवा रहे हो तो आप यहाँ पे आई माई मी में बदलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें दिया था योर फादर इज नो मोर, तुम्हारे पिता जीवित नहीं है तो आप क्या लिखोगे, माई फादर इज नो मोर, तो मैंने योर को माई में बदल दिया, माई फादर इज नो मोर, मेरे पिता जीवित नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको चेंज नहीं करते हो तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे, आप फिर अपने प्रिंसिपल से कह रहे हो कि तुम्हारे पिता जीवित नहीं है, वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ध्यान रखना आई को यू में जो सब्जेक्ट है अगर सब्जेक्ट के रूप में आए और योर को माई में, और अगर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए तो फिर इसको मी में बदलना है, और सबके हित की बात हो तो वी अवर अस में बदलते हुए आपको ये लाइन देनी है। तो माय फादर इज नो मोर, देयर इज नो अदर अर्निंग मेंबर इन माय फैमिली, इसमें योर था मैंने माय में कर दिया फैमिली, सो आई कैन नॉट पे माय स्कूल फी, इसलिए मैं अपने विद्यालय की फीस नहीं दे सकता हूँ। इसमें क्या था सो यू कैन नॉट, इसमें अपने यू किस बदल दिया आई में, इसलिए मैं विद्यालय की फीस नहीं दे सकता। और जैसे ही आपका ये खत्म हो, जैसे ही राइट शब्द आ जाए, मैंने बताया था राइट शब्द, वैसे ही आप रुक जाइए, अब आपका जो कारण था जो प्रॉब्लम थी वो पूरा हो चुका है, अब आपको सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पर गाइस मैं दो मिनट एक मिनट और बोलूंगा आपसे, कई बार तुम क्या रट लेते हो एप्लीकेशन को, जैसे मान लो ये फीस माफ की आपने, आपके टीचर ने लिखा दिया है, आप खुद रट लेते हो माई फादर इज ए पुअर क्लर्क, माई फादर इज ए पुअर मैन, ही कैन नॉट पे स्कूल फी, और आप सोचते हो कि फीस का आया है, आपने वही लिख दिया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पिता जीवित नहीं है, आप क्या लिख रहे हो कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, मेरे पिताजी गरीब क्लर्क है और वो फीस नहीं दे सकते, तो बताइए क्वेश्चन का और जो आंसर है उसका तो कोई मेल ही नहीं रहा और वो आपके मार्क्स काट सकता है। तो आप क्वेश्चन से इजीली बना सकते हो, क्वेश्चन में जो भी आपकी प्रॉब्लम दी हुई है आप उस प्रॉब्लम को नीचे लाएं, कैसे यू योवर यू को आई माई मी में बदलते हुए, अगर एक्स्ट्रा क्लास जैसी कोई चीज़ है तो आप वी योवर अस में उसको बदल देते हैं। तो गाइस जैसे राइट शब्द आया आप रुक गए, आपने प्रॉब्लम बता दी, अब आपको सॉल्यूशन देना है, तो सॉल्यूशन भी इसी के अंदर है, मैंने बताया था एग्जेम्प्ट यू फ्रॉम फी। तो ध्यान रखना यहाँ पे मैं थोड़ा बोलूंगा, बिल्कुल पक्का ध्यान रखना यहाँ पे आप मिस्टेक कर देते हो। देखिए जैसे आप पैराग्राफ चेंज करें, मतलब इसको लिख दिया पैराग्राफ चेंज करें, प्लीज अथवा काइंडली में से कुछ लगाए, तो प्लीज लगाया काइंडली लगाए, उसके बाद जो टू लगाया है इस टू को आप हटा दें, टू के बाद निश्चित ही आपको फर्स्ट फॉर्म मिलती है, इन्फिनिटिव का नियम है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और प्लीज काइंडली के बाद इंपरेटिव सेंटेंस में भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, ध्यान रखना यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। तो
एग्जेम्प्ट, तो काइंडली एग्जेम्प्ट, और इस यू को यहाँ पे अगर यू आता है तो उस यू को मी में बदलना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, इसको आई में नहीं बदलना, इसको मी में बदलना हमेशा ही। और जैसे सबके हित की बात हो तो आप यहाँ पर इसको किस में बदलेंगे, अस में बदलेंगे गाइस। तो काइंडली एग्जेम्प्ट मी फ्रॉम फी, कृपया मुझे शुल्क से मुक्ति दीजिए। ध्यान रखना यहाँ पे, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज काइंडली के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि आपको यहाँ पे टू के बाद मिलती है। आप इसको सही से मैच कर दीजिए, उसके बाद थैंकिंग यू और योर्स ओबीडियंटली, जो नाम दिया है वो नाम लिख दो, अगर नहीं दिया तो आप अपना नाम लिख सकते हो। तो गाइस ये एप्लीकेशन बनाने का तरीका था, आप इस फॉर्मूले से आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो। प्रोनाउंस का विशेष ध्यान रखें, और एप्लीकेशन बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज मिलती रहती हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा या उसका रिप्लाई दूंगा, और आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।